जितना भी कीचड़ लगा हुआ था सब यहाँ पे ढो लेते हैं अभी। और मेरा इंडिया जी मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है रास्ते तक, यानी कि दो लड़की पराया था। ले लिया। ओके बाय बाय सनातन, बाय बाय। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सनातन और गौरव जो मतलब आज जा रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे मतलब जिस दिन से ये लोग आया है उसी दिन से मतलब अभी रेनी का सीजन है, तो बारिश दे ही रहे दे ही रहे दे ही रहे, तो कंटिन्यू हम लोग घर का अंदर में ही दो दिन रहे। और उसके बाद हाँ चलो, उसके बाद सनातन बोला कि मतलब उसके घर में कुछ काम है, ऑफिशियल काम है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा जैसे भी हो, तो इसलिए हम घुमा नहीं पाया यहाँ में। और मेन थिंग वेदर भी साथ नहीं दे रहे थे, तो ये दोनों ने ठान लिया कि जाना ही होगा, तो मैंने कहा था कि रुक जाओ नहीं, ये दोनों जाना ही पड़ेगा। तो गाइस वीडियो इतना बना नहीं पाया, जो लोग मतलब झारखंड से दो दोस्त आए थे, तो फिर भी ये लोग नेक्स्ट टाइम आएगा बोला है। और गाइस ये दोनों अभी तैयार हो चुके हैं जाने के लिए फाइनली, एकदम रेडी हो चुके हैं। और इनके साथ साथ मैं भी तैयार हो चुका हूँ। एक्चुअली गाइस ये लोग जाएगा अभी डायरेक्ट कोलकाता हावड़ा, तो मैं जाऊंगा डायरेक्ट बैंगलोर। तो गाइस ये लोग डिब्रूगढ़ का टिकट कटेंगे, मैं डिब्रूगढ़ में आज इससे करूंगा, उसके बाद कल को मैं निकल जाऊंगा गाइस। तो वीडियो कैसा होने वाला है हम लोग का जाने देखते रहिए गाइस। अपने नेक्स्ट जर्नी की ओर, जैसे कि हम लोग तब से थे यहीं पे, मोनू भाई के यहाँ पर मजा किए, एंजॉय किए बहुत सारा, और इतना सब प्यारा सा स्वीट जो होम था वो बहुत ही ज़्यादा याद आएगा खासकर। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और मेरा इंडिया जी मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है रास्ते तक। हाय गाड़ी, मेरा तो कल को है जाने के लिए, लेकिन मैं आज ही निकल रहा हूँ ताकि ये लोग नए हैं, और नए आदमी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग रखने के लिए जाए। इतना दूर से झारखंड से मुझे मिलने के लिए आए, हम लोग अरुणाचल प्रदेश देखने के लिए आए, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड फॉर अस। सो मैं अभी इन लोगों को आसाम तक रखने के लिए जा रहा हूँ, और जाऊँगा वहाँ पे, अगर टाइम अगर ज़्यादा मिले तो कामाख्या भी घूमने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो जर्नी का वीडियो होने वाला है, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, बहुत ही इंजॉय होने वाला है गाइस। हम लोगों का है ये देखो कीचड़ कीचड़, ये बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, पता नहीं कब को बनेगा, ये बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। एक बहुत ही बड़ा दलदलिया समेट के जाना पड़ता है। हाँ तो गाइस अभी जा रहा हूँ, जाने का बाद यहाँ से थोड़ा बहुत आना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है देख सकती हो, क्योंकि रेनी सीजन है अभी, तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद अभी रुका दिया थमा दिया। जिस दिन से ये लोग आए उस दिन से सिर्फ बारिश 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 बारिश, आज ये लोग जा रहे हैं और मौसम भी पूरा क्लियर हो रहा है। रात को मतलब स्पेशल तारा भी दिखा, पता नहीं मतलब क्या था सीन, बोरा अच्छा किया तुम लोग जा रहे घर से, डिसीजन लगे इसीलिए तारा दिखा था रात को, नहीं तो दिन से तारा ना कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ बंद होने का कुछ नाम ही नहीं था। खत्म मेरा, जितना भी कीचड़ लगा हुआ था सब यहाँ पे ढो लेते हैं अभी, ये सब ढो लेते हैं। वाओ, बचपन का याद आ रहा है, बचपन में ऐसे पानी खेलता था, और मम्मी लाठी लेके जा रहा था मारने के लिए। मेन रोड, ये है मेन रोड, हम लोग गाड़ी यहाँ से आएगा, अभी हम लोग रुकते हैं गाड़ी, और ये है मेरा स्टेशन, मोनू का स्टेशन ये है। तो गाइस अभी गाड़ी रुक रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और ये इन लोगों का टुली टुकला, और ये तो मेरा बैग तो पता ही है, और गाइस रुका हुआ हूँ गाड़ी, पता नहीं कब को आएगा। जब से ये दोनों आए हैं तब से बारिश दे रहा है, अभी ये दोनों जाने का नाम ले रहे हैं, बारिश भी छूट गया, पता लग रहा है हम लोग सनी थे, पता नहीं यार राहु के तो था या अच्छा था, इंद्र था, इंद्र वो भी हो सकता है, अच्छा भी था कि इधर सूखा पड़ गया था। तो चलो ये तो ठीक ही है, लेकिन सबसे जाने का नाम ये ले रहा था ये आदमी, ये आदमी सही बात है। हाँ बाय बाय, आज से देख के जाओ भाई, किसर किसर पूरा उड़ा के चला गया मेरा देखने का चक्कर में, पूरा किनारे पे तो कोई भी मुझे देखता है, होश गवा देता है, जिंदा जिंदा तो रहेगा। तू क्या रे बाबा रे, ये तो कंपू है, डर लगता है ये। एक गाड़ी मिल रहा है, लेकिन वेट करता हूँ कि ये रुका देगा कि नहीं, ये जो 300 का डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जा रहा है, चलो ओके मदर इंडिया, बाय 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 मम्मी। तो हम लोग जा रहे ऑन टाइम स्पॉट मिल गया है डिब्रूगढ़ तक, लीजिए भाई। हाँ चलो, सोना चांदी ऐसा से रखना गिर ना जाए। हेलो, अच्छा हाँ ठीक है ना, तो ये है हम लोगों का सवारी,
हाँ अच्छा से बैठ लो। तो यहाँ पे भैया रुका हुआ था, मोस्ट वेलकम, लास्ट में जाओ। हम लोग भैया गाड़ी बनाने के लिए निकले थे तो गाड़ी आधा रास्ते तक छोड़ दिया, अभी सिर्फ सामान को लेके जा रहे हैं और यहाँ पे भी पता नहीं क्या हो गया। फाइनली पूरा पैक हो चुका हूँ तो अभी चलते हैं। हम लोग का यात्रा बहुत ही शुभ होने वाला है, आप लोग भी तो देखे हुए। तो गाइस हम लोग तिनसुकिया पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भीड़ भयंकर ट्रैफिक है। भैया उतर गया अपना सामान ठीक करने के लिए। और अवश्य जर्नी कैसा लग रहा है आपको ट्रैफिक में? विच इज कॉल्ड स्पीचलेस, शब्द नहीं है। अभी एक अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। तो बुरा किस लिए लग रहा है? बुरा इसलिए लग रहा है कि भाई को छोड़ के जा रहे हैं, और अच्छा इसलिए लग रहा है, मेरा दिल में भी खंजर मतलब खंजर घुस रहा है, ये लोग जाने का बात ही निकलेगा। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो बारिश भी बंद हो रही है, तो हम बोले चलो अच्छा बात है ना, कुछ तो अच्छी हो रही है हमारे कारण, पता चले आज जिंदगी में पैसा सही है। हाँ, और ये दोनों को मैं टिकट कर दे रहा हूँ। कुछ नया ट्रिप करने वाले हैं इसीलिए बोले इधर से निकलते हैं, यहाँ का ट्रिप रहा, फिर आएंगे फिर घूम के। अभी इधर से दूसरा भी कुछ ब्लॉग वगैरह बनेगा ना, बस वाला से। और मैंने इन दोनों को मैंने नाम दिया है बारिश, एक का नाम बारिश और एक का नाम है बादल। अच्छा, जब से ये दोनों आए हैं तब से हम लोग यहाँ पे बारिश बादल बारिश बादल। एक तरह से अच्छा भी बोला जा सकता ना, जो बंजर भूमि थी वो खंजर हो गया, हरी भरी हो गई। जो खंजर हो गया वो बंजर हो गया, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे हरी भरी ही है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, भीड़ भयंकर ट्रैफिक, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और ये बोरिंग हो गया होगा, हम लोग बैठे हुए हैं बोरिंग हो रहा है बस, और कुछ नहीं। ये है मोहनबाड़ी, मैं यहाँ से मैं प्लेन उठूँगा बेंगलोर के लिए। और गाइस पहले इन दोनों को पहुँचा देता हूँ ट्रेन स्टेशन, उसका बाद देखता हूँ आप लोगों को। वो दोनों को मैंने ऑटो उठा लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ एक बॉस का दुकान में जहाँ पे मुझे कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है डिब्रूगढ़ में, तो वही जा रहा हूँ अभी मैं। तो हम सभी लोग जा रहे हैं, हम लोग फाइनली डिब्रूगढ़ पहुँच चुके हैं और इन दोनों को अभी ऑटो उठा देता हूँ, अच्छा वाला एक ऑटो रेलवे स्टेशन तक। जा ही रहा था गाइस, आवाज सुन के मतलब पहचान लिया, मैं तो पूरा पैक होके आया था, लेकिन आई कांट बिलीव कि मतलब यहाँ असम डिब्रूगढ़ में मतलब जिस ऑटो पे मैं हूँ वहीं पे मेरा फैन साइकिल मिल रहा है। बहुत बड़ा फैन हूँ तो आवाज सुन के पहचान लिया, तो इट्स कॉल्ड अ वेरी ट्रू फ्रेंड। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यार, और तो अभी जा रहा हूँ, वो दोनों चले गए हैं दो दोस्त और अभी अकेला जा रहा हूँ। तो यहाँ से आज स्टे करेंगे, उसके बाद कल को उड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, और ये वाला ब्लॉग भी आ रहा है। आमलापति से अभी आ गए हूँ थाना चारली, यानी कि डिब्रूगढ़ का थाना चारली, और थाना चारली में मेरा एक दोस्त का दुकान है, तो उसमें थोड़ा सा घुसते हैं। एक्चुअली मेरा बस मतलब अच्छा कपड़ा नहीं है, तो मैं एक पेन और एक शर्ट खरीद लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। काफी वेट किया, वेट करवाया ये आदमी ने। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, और यहाँ मैं मोसो देखो सभी लोग। तो यहाँ पे मैं अभी कपड़ा खरीदूंगा, एक्चुअली मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, तो इसलिए मतलब मैं बैंगलोर प्रोग्राम करने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही दूर, और इट्स फॉर फर्स्ट मी मतलब ये बहुत ही मतलब फर्स्ट टाइम है मेरे लिए बैंगलोर, तो इसलिए मैं दोस्त को कॉल किया कि डिब्रूगढ़ में अगर हो तो दो तीन कपड़ा खरीद के लेके जाता हूँ वहाँ पे पहनने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा सा कपड़ा खरीद लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। भाई गला मत दबा देना, मुझे और भी जीना है, पूरा हो रहा है, लगाना पड़ेगा। ओके ये पूरा हो रहा है बोला गाइस, मुझे और भी बंस पैदा करना है, ये गाला सुनने से तो कैसा होगा। गाइस बेस्ट मार्केटिंग है एकदम, डिब्रूगढ़ का मेरा फेवरेट शॉप यही है। मैंने खरीद लिया, खरीदना मतलब ले लिया है दो, अभी और भी देखेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा कपड़ा मैं पहन के जाऊंगा परफॉर्म करने के लिए बैंगलोर में। तो गाइस कपड़ा ले लिया है, अभी यहीं पे नहाएंगे, नहाने के बाद फ्रेश होकर आप लोगों को दिखाएंगे। भाई
आशीर्वाद दो इनको, अभी वो जा रहे हैं बाहर। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। हम लोग कॉन्शियस नहीं होता है ना। तो गाइस मैं यहाँ पे कपड़ा बिक्री कर रहा हूँ। तो गाइस मेन थिंग यहाँ पे कपड़ा वगैरह मैंने खरीद लिया, पहन लिया। तो अभी कुछ देर के बाद अभी हम लोग एक ब्यूटीफुल सा लंच करने के लिए जाएंगे। आई थिंक डिनर भी वही होगा सर, क्योंकि मतलब वही भूख लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। और ये हीरो बोल रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा है कि कहीं पे लेके जाएंगे बोल के, तो खाना खाने के लिए चलते हैं। एक्चुअली इसका मम्मी नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी वॉट आर वेटिंग हियर। तो इसका मम्मी आ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं इधर खाना खाने के लिए। और यहाँ में फाइनली यहाँ पे खाना आ चुका है। ये है खाना और हम लोग नागा किचन में आए हैं। ओह माय गॉड गाइस, सुबह से पूरा खाली पेट था, कुछ भी नहीं खा रहा था, तो अभी खाना मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो भी मेरा मनपसंद बॉयल सब्जी। अभी दोस्त का दुकान से हम लोग निकल रहा है, यानी कि अभी जा रहा है हर्षपुर, यानी कि दीदी का घर में जा रहा है दोरू मोनी का। तो दीदी का घर में यहाँ मैं इस्ते करूँगा। दोस्त बोला था कि यहीं पे इस्ते कर दो, लेकिन दीदी को मैंने वचन मतलब दे दिया था, पहले बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ, तो उसी मुताबिक से तैयारी भी कर रहा है। तो आने का टाइम पे मैं रहूँगा, है कि नहीं? हाँ जरूर। बपरे अभी फिस्कड़ी मारी वो आपने सुबह करे और थोड़ा करो और थोड़ा इसको ओपासन को आपने ओपासन करने से ज़्यादा है दुख गया यहाँ पे। ओपासन करने से बियर उसको देता है जो खाया नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन जिंदा जिंदा डर बुलाई कौन बिठा। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं, और आते ही देखो जीजा जी का पूरा पिंपल्स निकला हुआ है, दो पिंपल्स, यानी कि दो लड़की पटाया था इसलिए सबूत। और यह है दीदी, और मैंने आके ही मैंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल होने से कितना पैसा लेना था। गाइस आज यहीं पे आके मैं बैठ गया हूँ, खाना पीना खा के अभी सोने वाला हूँ। गाइस बहुत ही ज़्यादा थकान लग रहा है, और कल को बहुत ही धमाका होने वाला है कल को, क्योंकि कल का वीडियो बहुत ही धमाका होने वाला है, क्योंकि कल को मैं जा रहा हूँ बैंगलोर फर्स्ट टाइम। तो कल का वीडियो को मिस ना कीजिए गाइस। लव यू एंड टाटा, बाय बाय।